गाइज वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल स्नेहा स्टाइल कॉर्नर। मैं हूँ स्नेहा। सो गाइज कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे और सेफ होंगे। सो गाइज आज की वीडियो एक ब्लॉग वीडियो होने वाली है जिसमें मैं आप लोग के साथ अपना दिल्ली ट्रैवल का ब्लॉग शेयर करूंगी। और मैं जा रही हूँ दिल्ली, अचानक से कुछ काम था, वो मैं आगे आने वाले ब्लॉग्स में आपको शेयर करूंगी। सो गाइज यहाँ पे मैंने लिया है 30 डेज 30 ब्लॉग का चैलेंज। तो इस 30 डे 30 ब्लॉग में ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है। आई होप सो कि आप लोग मेरे ब्लॉग से एंटरटेन हो और चीज़ें मैं एक्सप्लोर कराऊंगी, जो मार्केट या जो चीज़ें दिखाऊंगी उस वो सब आप लोग के लिए हेल्पफुल हो। तो सडनली हमें दिल्ली निकलना पड़ रहा है। काफ़ी दिन से प्लान था बट अचानक से प्लान बना तो हम लोग जा रहे हैं। अभी बज रहे हैं सुबह के 12 और मैं फ्रेश वगैरह हो चुकी हूँ, नहा चुकी हूँ और हम तीन लोग जा रहे हैं। तो मेरे हस्बैंड के जो एक फ्रेंड है नागेंद्र, तो वो भी जा रहे हैं, तो वो भी निकल चुके हैं अपने घर से और अभी वो भी आते ही होंगे, पहुँचते होंगे। और मुझे अभी मेरी पैकिंग तक नहीं हुई है गाइस, कैन यू बिलीव दिस कि 7:30 की मेरी ट्रेन है और मैंने अभी तक पैकिंग भी नहीं की है। तो मैं जा रही हूँ कुछ कपड़े आयरन करने और उसके बाद से मैं अपनी पैकिंग स्टार्ट करूँगी। तो होप सो कि आपको मेरा ये 30 डेज 30 ब्लॉग का कॉन्सेप्ट पसंद है। आजकल ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, 365 डेज एंड 30 डेज। तो होप सो आपको ये मेरा ब्लॉग पसंद है। तो मैं आयरन करके जल्दी से आप लोग से मिलती हूँ फटाफट से। बाय बाय। सो गाइस जिसका वेट था वो आ चुके हैं और मैं जा रही हूँ उनको रिसीव करने बाहर, तो मैं आपको दिखाती हूँ। हेलो, ब्लॉग भी कर रहे हैं साथ साथ। बहुत गर्मी। हाँ बहुत गर्मी। अब बाहर से आपको फोन। हे गाइस, जल्दी जल्दी मैंने सारा काम फिनिश कर लिया है और अब बज रहे हैं 5 शाम के और हमें 8 बजे निकलना है। और अब मैं जा रही हूँ मतलब रात का डिनर का कुछ प्रिपरेशन करने, क्योंकि रात में 8 बजे की ट्रेन है तो 8 बजे कोई खा के नहीं जा पाएगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे सारी तैयारियाँ कर रही हूँ। मैं बनाने जा रही हूँ बाटी और पनीर की भुर्जी प्लस पराठा। तो ये सारी चीज़ें हम मतलब मैं तैयारी कर रही हूँ और जल्दी जल्दी से बना लूँ, क्योंकि 5:15 हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है। और मुझे जाना था पार्लर थ्रेडिंग कराने बट मुझे नहीं लगता कि मैं जा पाऊँगी, तो बहुत लेट हो चुका है। और अभी वो दोनों लोग कहीं गए हैं बाहर कुछ काम से, तो आते ही फटाफट से लंच वगैरह डिनर वगैरह पैक करके फिर हम लोग 7:30 पे निकलेंगे। 7 या 7:30 पे हम लोग निकलेंगे। तो चलिए मैं आपको फटाफट से दिखाती हूँ कि मैं कैसे बाटी बना रही हूँ। सो गाइस मैंने यहाँ पे आटा भी लगा दिया है और यहाँ पे जो हमारा बाटी का फिलिंग है वो भी रेडी हो चुका है। अब मैं इसको जा रही हूँ बनाने, मतलब कि बाटी का शेप देने। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा आटा लेकर बहुत छोटा छोटा सा बनाना है। और इसको मैं इसलिए ले जा रही हूँ क्योंकि ये ट्रेन में ख़राब होने का डर नहीं रहता है, मतलब कि अगले दिन तक भी चल जाता है। कैमरा सही से सेट नहीं हुआ है तो इसलिए मेरी आधा सर कट जा रहा है। तो यहाँ पर मैं इसको राउंड से शेप देके गाइस बहुत ही हड़बड़ तड़बड़ के बाद अब हम लोग फाइनली निकलने जा रहे हैं। और आप टाइम देख सकते हो, इट्स 8:00 और ट्रेन 9 बजे की थी बट मुझसे झूठ बोला गया कि 8 बजे की ट्रेन है। और ये देखो चेहरे पे स्माइल देख लो। तो अब हम लोग सब लोग रेडी हो गए, निकल रहे हैं और अब डायरेक्ट पहुँचते हैं स्टेशन। वहाँ पर पहुँच के फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ये इंसान हमारे घर से चोरी करके भाग रहा है, ये इंसान। इस इंसान को दिल्ली में चाहे कहीं पे भी देखा जाए तो तुरंत गिरफ्तार किया जाए। और साथ देने वाली होस्ट, अच्छा कैमरामैन। सो गाइस फाइनली हम लोग निकल रहे हैं और बहुत लेट हो चुका है। और हमसे झूठ बोला गया था ना कि 8 बजे का ट्रेन है, ना झूठ बोला गया था 8 बजे का ट्रेन है 9 बजे का। सो गाइस अब हम आ गए हैं रोड पे और अब करेंगे ऑटो या टोटो और उसके बाद हम निकलेंगे स्टेशन पे। एग्जैक्ट कितने बजे का ट्रेन है? नॉट टाइमिंग, नॉट टाइमिंग।
तो फाइनली हम लोग अपने गली के बाहर आ गए हैं, और कितना भी यार अपने शहर से दूर जाना तो थोड़ा सा अजीब लगता है, ये कुछ भी को अजीब तो लगता है। एक तो ना दुखियारी मन से जा रहे हम, इतनी हंसी आ रही है। या रेलवे स्टेशन तो हमारी गाड़ी भी हमें मिल गई, और यहाँ पे ये लोग सामान रखवा रहे हैं, और अब असली जर्नी शुरू होती है गाइस। सो गाइस हम लोग आ चुके हैं स्टेशन पे, ये है एक नंबर प्लेटफॉर्म, और ये मतलब कई सारे प्लेटफॉर्म है ना, तो हमें एक नंबर पे आना था, तो गेट नंबर 7 पे आना था, तो ये गेट नंबर 7 है। और सो गाइस हम लोग आ चुके हैं स्टेशन, और इतनी गर्मी है अब थोड़ा बहुत हवा चलना स्टार्ट हुआ है, और हमारी ट्रेन भी में भी हाफ एन आवर लेट है, मतलब हद है यार, इतना जल्दी जल्दी हम लोगों ने निकले और उसमें भी टाइम मतलब डिले होना था ट्रेन, अब मुझे लग रही है भूख, तो अब देखते हैं अलग की वेट करने के अलावा कुछ और ऑप्शन नहीं है कि अब वेट ही करना है। तो इस ट्रेन के साथ आप लोग का एक्सपीरियंस क्या है? ये ट्रेन वहाँ घटिया है, 2-3 घंटे इंतजार करने के बाद गर्मी से हालत खराब, और हमें लगता है कि यहाँ में ये प्लेटफॉर्म पे भी एसी लगाना चाहिए। लास्ट 3 आवर्स से ना हम लोग वेट कर रहे हैं, अब आएगी ट्रेन, अब आएगी आएगी आएगी, कितने बजे टाइमिंग था? 8 बजे का ना, 9 बजे का टाइमिंग, 3:15 की है। अच्छा आई, फिर लेट में 7:50 की भी, फिर से हुई है 8:50 की, अब आई है, अब आइए 9:50 ठीक है, 10 बज रहा है, आप देख सकते हो 10 बज रहा है, और अभी तक भी नहीं आई है, लेकिन अनाउंसमेंट हो चुका है, तो मे बी अब आ जाए, लेकिन बाई गॉड इन फ्यूचर अब मैं कभी इस ट्रेन से नहीं आऊँगी गाइस। ये सहरसा एक्सप्रेस कोई ट्रेन है, बहुत ही घटिया ट्रेन है, लिटरली बहुत ही घटिया ट्रेन है, बिकॉज इतना लेट यार, भूख अलग लग रही है, गर्मी अलग है, लेट्स सी कब आती है। सारे यात्रीगण अपने बैग लेके रेडी हो चुके हैं, खड़े हो चुके हैं, अब ट्रेन आएगी, बट ट्रेन का कोई नामो निशान नहीं है, कोई अता पता नहीं है, तो चलिए आती है तो फिर मिलती हूँ मैं आपसे। काफ़ी टाइम बाद अब हम लोग न्यू दिल्ली में एंटर कर चुके हैं, करीब 4-5 घंटा ट्रेन लेट होने के बाद, करीब 1 बजे के अराउंड 1 बजे हम लोग स्टेशन पे पहुंचे, और स्टेशन पे पहुंचने के बाद अब फाइनली हम लोग आ गए मेट्रो स्टेशन। हाँ मेट्रो से चलते हैं, काफ़ी टाइम बाद हम लोग मेट्रो स्टेशन पे आ गए हैं, और अब निकल रहे हैं हम लोग घर पे, घर के लिए। बहुत गर्मी है भाई साहब, दिल्ली में बहुत गर्मी है, शक्ल देख सकते हो, बहुत बहुत ख़राब हालत हो रखी है। तो बस वीडियो यहीं एंड करते हैं, होप सो आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और ये मेरा ट्रैवल ब्लॉग वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय बाय।